hello dear student today i am going to explain prime factorization and exercise 6d okay first time uh, prime factorization prime factorizations expressing a given number as the product of prime factors is called the prime factorization of the given number okay देर आर टू मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्ट्राइजेशन फैक्टर ट्री मेथड एंड डिविजन मेथड तो फर्स्ट टाइम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फैक्टर ट्री मेथड ओके फैक्टर ट्री मेथड्स में आप देखिए ये जो एक क्वेश्चन आपको गिवन है जैसे फाइंड द प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ ट्वेंटी तो इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टर ट्री मेथड से जैसे ट्वेंटी ट्वेंटी को फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो किससे कैंसिल हो सकता है तो सबसे स्मालेस्ट प्राइम नंबर आपका टू होता है ओके okay? तो टू का जब हम ट्वेंटी में डिवीज़न करते हैं तो जानते हैं टेन टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिवाइजेबल हो जाएगा तो फर्स्ट टाइम इसका फैक्टर होगा टू इन टू टेन देखिए आपका यहाँ पे एग्जाम्पल्स में ट्वेंटी ट्वेंटी को दो ब्रांच आप बना दीजिए जैसे ट्री का ब्रांच होता है सेम ब्रांच इसी तरीके बनाइएगा ठीक है ना एरो लगा के तो टू मल्टीप्लाई बाई टेन टू टेन या ट्वेंटी ऊपर हो गया ठीक है ना अब टू एक आपका इसमें प्राइम फैक्टर हो गया सेकेंड आपका टेन है टेन का फैक्टर फिर आप करेंगे तो टेन चेक करेंगे कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू से कैंसिल होगा तो टू आप जानते हैं टू इंटू फाइव करने पे टू फाइव या टेन या टू का टेन में डिवाइड करने पे फाइव आएगा तो टू इंटू फाइव टू भी आपका प्राइम नंबर है फाइव भी प्राइम नंबर है ठीक है ना तो इस तरीके इसका फैक्टर क्या बना टू इंटू टू इंटू टू सॉरी फाइव तो टेन का फैक्टर टू हो गया और फाइव हो गया और ऑलरेडी पहले भी टू था तो टू टू फाइव ठीक है ना तो इसका फैक्टर देखिए इस तरीके लिख दीजिएगा ट्वेंटी इज इक्वल टू ये देखिए ट्वेंटी इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू फाइव इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ओके तो 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 इसको आप लोग कम से कम दो से तीन बार आप प्रैक्टिस करिएगा ब्रांच बनाने को एक बार आप ब्रांच क्लियर कर लेंगे तो आपको सारा प्राइम फैक्टर इसमें क्लियर हो जाएगा ओके तो फर्स्ट टाइम हम प्राइम फैक्टराइजेशन को आपका सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर उसके बाद हम आपको सिखाएंगे डिवीजन मेथड ओके तो देखिए एक्सरसाइज सिक्स डी आपका पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है वो भी यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड देखिएगा क्वेश्चन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई फैक्टर ट्री मेथड तो फर्स्ट टाइम फोर्टी फाइव है ओके तो फोर्टी फाइव को भी हम इसी ट्री के मेथड के जैसे सॉल्यूशन करेंगे जैसे यहाँ ट्वेंटी पे हुआ है तो जहाँ पे ट्वेंटी है वहाँ पे हम फोर्टी फाइव को राइड करते हैं तो इसका आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर ट्री मेथड से ये देखिए फोर्टी फाइव ओके okay? बहुत क्लियरली uh, आप इसको uh, समझिएगा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव को देखिए टू के टेबल से तो नहीं होगा लेकिन थ्री के टेबल से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि थ्री का अगर हम फैक्टर निकालना चाहेंगे थ्री से फोर्टी फाइव में डिवाइड कर दीजिएगा साइड में रफ वर्ग में तो आप जानते हो कि आपका क्वेश्चन आएगा फिफ्टी तो इसका मतलब थ्री इंटू फिफ्टीन थ्री फिफ्टीन जा आप जानते हो फोर्टी फाइव फोर्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव ठीक है ना तो इस तरीके इंटू करिए दो ब्रांच बना लीजिएगा ट्री के जैसा थ्री मल्टीप्लाई फिफ्टीन ओके थ्री एक आंसर हो गया अब फिफ्टीन को फिर आप आ, इसको प्राइम फैक्टर करिए तो फिफ्टीन का आप जानते हैं थ्री इंटू फाइव होता है थ्री इंटू फाइव थ्री फाइव जो फिफ्टीन तो इसका फैक्टर इस तरह के राइट कर लीजिएगा देखिए ये यह यहाँ पे जो राइट हुआ है फोर्टी फाइव इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री थ्री आपका ये है सेकेंड थ्री नीचे है फिर फाइव साइड में तो इसका फैक्टर बना थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव ओके इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बाई फैक्टर ट्री मेथड इसका बी का भी सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो 64 ये देख रहे हो ना आप इस तरीके फैक्टर आप बनाना शुरू करेंगे तो बनता चला जाएगा 64 को सबसे पहले आप टू से ही करिएगा अगर टू से नहीं होगा थ्री थ्री से नहीं होगा फाइव इस तरीके प्राइम नंबर आप लेकर ही तभी फैक्टर बनाइएगा ठीक है ना तो 64 को पहले टू से करिए टू का डिवीजन करेंगे तो आप जानते हो थर्टी टू आ जाएगा तो टू इंटू थर्टी टू टू मल्टीप्लाई बाई थर्टी टू इंटू करने पर सिक्सटी फोर आ गया ठीक है फिर थर्टी टू को आप करेंगे थर्टी टू का आप जानते हैं टू इंटू सिक्सटीन इसी तरीके नीचे नीचे आप एरो बना, बना के करते जाएंगे ठीक है ना सिक्सटीन टू या थर्टी टू सिक्सटीन का टू इंटू एट एट टू या सिक्सटीन फिर टू इंटू एट को करेंगे टू इंटू फोर टू इंटू टू तो देखिए कितने टू आए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्सटी फोर इज इक्वल टू टू सिक्स टाइम्स ठीक है ना ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन पी का ठीक है इसी तरीके आपका सी का भी सॉल्यूशन है देखिए ये सी का सॉल्यूशन देख रहे हैं सेवनटी एट सेवनटी एट को जब टू से हमने किया तो टू इंटू थर्टी नाइन आया टू इंटू थर्टी नाइन करने पे सेवनटी एट सेवनटी एट फिर थर्टी नाइन जानते हैं टू से नहीं होगा थ्री से होगा थ्री थर्टीन या थर्टी नाइन अब यहाँ देखिए थर्टीन का होगा ही नहीं ठीक है ना थर्टीन खुद भी प्राइम नंबर है तो टू इंटू थ्री इंटू थर्टीन ये आपका आ गया ठीक है ना इस तरीके आप क्वेश्चन नंबर वन सिक्स डी के क्वेश्चन नंबर वन को सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा ओके ठीक है वन बाय वन सॉल्यूशन आप करिएगा अब देखिए आपका आता है डिवीज़न मेथड डिवीज़न मेथड में देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है हम डिवीज़न मेथड में आप सिंपल समझिए डिवीज़न आया है तो आपको डिवाइड ही करना है ठीक है ना सब सम, समझिए कि ये एक डिवीज़न डिवाइड मेथड से ही आपको प्राइम फैक्टर करना है जैसे वन है तो फर्स्ट टाइम आप टू से डिवाइड करिए डिवाइड करके देखिए जो क्वेश्चन तो आपका आएगा वही आप आंसर लिख दीजिएगा टू वन हंड्रेड नाइनटी टू में डिवाइड करेंगे आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी कराया है क्लास फोर में ओके तो सेम वही चीज है यहां पे भी है फिर उसके बाद टू के टेबल से जब आपका डिवाइड हो जाएगा फिर एक बार चेक करेंगे टू से हो रहा है कि नहीं अगर हो रहा है तो करेंगे एक चीज़ इसमें याद रखिएगा इसमें रिमाइंडर नहीं आना चाहिए ठीक है जब आप टू टू से डिवाइड करते रहेंगे तो जब कम्प्लीटली डिवाइजल हो जाएगा तभी करेंगे अगर रिमाइंडर आता है तो टू से नहीं बल्कि आप नेक्स्ट प्राइम नंबर थ्री से करेंगे फाइव से ठीक है फिर टू से नाइन्टी सिक्स को डिवाइड किया आया फोर्टी एट ओके देख रहे हैं ना फिर टू से आपने फोर्टी एट को डिवाइड किया आया ट्वेंटी फोर टू से ट्वेंटी फोर को डिवाइड किया आया ट्वेल्व ठीक है ना टू से ट्वेल्व को डिवाइड किया आया सिक्स फिर टू से सिक्स को किया थ्री अब जानते हैं थ्री टू से नहीं होगा तो थ्री से करेंगे थ्री वन जा थ्री थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे वन आएगा और जब तक नीचे वन नहीं आएगा तब तो तक आप इसको करते रहेंगे ठीक है इस तरीके आप इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हैं अब इसका फैक्टर क्या बनेगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू सिक्स टाइम और एक थ्री इस तरीके इसको राइट कर लेना ये देखिए ठीक है ना तो इसका क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड देखिए अब इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है तो फर्स्ट है वन हंड्रेड फिफ्टी तो वन हंड्रेड फिफ्टी का सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए वन हंड्रेड फिफ्टी ओके ये ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है इसको बहुत आ, अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा फर्स्ट टाइम टू से हम डिवाइड कर रहे हैं ठीक है टू वन हंड्रेड फिफ्टी में आप इसको रफ में भी करके समझिएगा रफ में जब डिवीजन आप करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सेवेंटी फ़ाइव आता है कैसे ट्वेंटी फाइव आता है जब टू का हमने यहाँ पे डिवाइड किया वन हंड्रेड फिफ्टी में टू सेवन जब फोर्टीन वन आप बगल में दोगे तो टेन हो जाएगा टू फाइव जो टेन देखिए एग्जैक्ट टू से हो गया ना सेवेंटी फ़ाइव फिर सेवेंटी फ़ाइव आपका टू से नहीं होगा डिवाइजबल तो आप थ्री से करो थ्री टू जो सिक्स वन साइड में थ्री फाइव या फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव आ गया अब ये थ्री से नहीं होगा ट्वेंटी फाइव थ्री के टेबल में ट्वेंटी फाइव नहीं आता है ठीक है ना तो फाइव से करिए फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव फाइव वन फाइव ये आपका एग्जैक्ट पूरा हो गया अब इसका जो है आप इस तरीके राइड कर लीजिए प्राइम फैक्टर में वन हंड्रेड फिफ्टी इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव ओके अगर यहाँ पे इसको कम से कम दो तीन बार आप सॉल्व करिएगा जब तक आप दो तीन बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये कहीं ना कहीं रॉन्ग कर होते रहेंगे जब दो तो तीन बार करने लगेंगे तो इस क्लियर हो जाएगा ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं नंबर बी पे बी का सॉल्यूशन देखिए टू ओके ये आप देख रहे हो ना टू ओके टू हंड्रेड सिक्सटी फोर को भी पहले हम टू से डिव, डिवाइजेबल करते हैं ठीक है ना तो टू वन जो टू टू थ्री जहा सिक्स टू टू जा फोर वन हंड्रेड थर्टी टू आया फिर टू से डिवाइड करेंगे सिक्सटी सिक्स आया टू से डिवाइड करेंगे थर्टी थ्री लेकिन अब जान रहे हैं थर्टी थ्री आपका टू से नहीं होगा तो आप थ्री से आते हो थ्री से करते हैं इलेवन ओके थ्री वन जो थ्री थ्री अब ये इलेवन आ गया इलेवन से करिए इलेवन वन जे वन क्योंकि इलेवन प्राइम नंबर है फिर इसको आप इस लाइन में कर लीजिए जिस तरीके करते हैं टू हंड्रेड सिक्सटी फोर इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू इलेवन ओके इस तरीके क्वेश्चन नंबर सी में भी देखिएगा आप सी आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है सी का सॉल्यूशन देखिए थ्री हंड्रेड सिक्सटी फर्स्ट टाइम टू से डिवाइड करते हैं थ्री वन टू वन या टू वन साइड में दिया सिक्सटीन हो गया टू एट जा सिक्सटीन जीरो टू से करते हैं टू नाइन या एटीन जीरो टू से करेंगे टू फोर जा एट वन साइड में दिया टेन हो गया टू फाइव जा ठीक है टेन फिर अब ये फोर्टी फाइव आपका टू से नहीं होगा थ्री थ्रीस करिए थ्री वन जो थ्री वन साइड में दिया फिफ्टीन थ्री फाइव जो फिफ्टीन थ्री फिफ्टीन जब फोर्टी फाइव हो गया फिर थ्री थ्रीस करिए थ्री फाइव जो फिफ्टीन फाइव वन जै फाइव तो इसका फैक्टर बन गया टू इंटू टू इंटू टू थ्री इंटू थ्री इं फाइव ओके okay, इस तरीके आपका ये डि डिविजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना ठीक है ना इस तरीके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ये प्रैक्टिस जितनी अच्छी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको सॉल्यूशन आएगा ठीक है ना तो सिक्स डी आप सॉल्व करिएगा जो मेथड मैंने आपको सिखाया है इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है ना उसी मेथड के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे जो जहाँ पर नहीं आएगा उसे आप उसे क्वेश्चन को पुटअप करिएगा ओके थैंक यू